अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। डियर व्यूवर्स, आज हम डाटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। एसक्यूएल में कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। आगे हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल पे जाएंगे तो हमें ये चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। डेटा टाइप होती क्या है? ए डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा। एक एट्रीब्यूट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा है। दैट द ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट के पास है, फॉर एग्जाम्पल है इंटीजर डेटा, करेक्टर डेटा, मॉनिटरी डेटा, डेट एंड टाइम डेटा, बाइनरी स्ट्रिंग डेटा, ये इस किस्म का डेटा हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर यानी बेसिकली जो है हमारे पास चार किस्म का डाटा होता है, करेक्टर और स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम और बाइनरी। इनके फर्दर डाटा टाइप को हम देखते हैं। करेक्टर जो है हमारे पास ये फिक्स लेंथ होता है, 8000 तक करेक्टर को स्टोर कर सकता है। यानी करेक्टर से मुराद वो लेटर ए बी सी कोई भी हो सकता है, इस तरह के करेक्टर स्टोर कर सकता है। वारचार एन जो है, एन का मतलब यहाँ पर साइज बता सकते हैं कि इतने करेक्टर स्टोर करें, ये भी 2 बाइट नंबर ऑफ करेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है। बार चार मैक्स जो है वो क्या करता है, अप टू 2 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। मैक्स जो लिखेंगे उसका मतलब ये मैक्सिमम साइज होगा, 2 GB तक हम करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है एसक्यूएल यूनिकोड करेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप। यूनिकोड मतलब किसी भी लैंग्वेज के, मिसाल के तौर पर आप उर्दू के लेटर स्टोर करना चाह रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, चाइनीज़ की लैंग्वेज का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उनको यूनिकोड करेक्टर के तौर पर स्टोर कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो एज ए क्या लेगा, यूनिकोड करेक्टर के तौर पर। तो एन उसके साथ लग जाएगा, एन करेक्टर जो है, एन चार, इसका मतलब ये है कि 4000 तक करेक्टर जो है स्टोर कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के। एन वारचार, एन का मतलब यह है कि एन में साइज बताएंगे इतने तक, जितने तक आप स्टोर करना चाह रहे हैं, वैसे मैक्सिमम 4000 करेक्टर है इसका भी। एन वारचार मैक्स जो है ये मैक्सिमम अप टू 2 GB तक ये स्टोर कर सकेगा। सेम एज इट इज करेक्टर है, उसके साथ एन जो है वो लगता जा रहा है जो पिछली डाटा टाइप थी, ताकि यूनिकोड करेक्टर को डिफरेंस कर सके वो। आगे है एग्जैक्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स एग्जैक्टली जो है वो क्या होती है, होल नंबर कहलाता है। यानी मिसाल के तौर पर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, होल नंबर माइनस में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो है बिग इंट है, फिर इंट है, स्मॉल इंट है, टिनी इंट है, टिनी इंट 0 to 255 तक जो है हम नंबर जो है स्टोर कर सकते हैं। स्मॉल इंट में 32768 माइनस से लेकर 32767 तक पॉजिटिव वैल्यू तक हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह बिट है, इसमें 1 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या 0 या 1। डेसिमल है, न्यूमेरिक है, मनी है, स्मॉल मनी है, इस तरह के जो डेटा टाइप है हम, ये एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है तो हम स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा टाइप के आगे रेंजेस दी गई हैं, फ्रॉम टू फ्रॉम यानी माइनस फ्रॉम से पॉजिटिव जो टू तक जो है हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डाटा टाइप है, इसमें फ्लोट और रियल है, यानी डेसिमल पॉइंट जिन वैल्यू में आता है उनको कैसे स्टोर करते हैं, वो इस डाटा टाइप के जरिए स्टोर करते हैं, फ्लोट और रियल। फ्लोट जो है कम डाटा स्टोर कर सकती है, नंबर ऑफ लिमिट है इसकी, और रियल जो है सबसे ज़्यादा लिमिट है इसकी, यानी माइनस 1.79 जो है ई जो है प्लस 308 से लेकर 1.79 ई जो है प्लस 308 तक स्टोर कर सकें फ्लोट में, जबकि रियल में इससे ज़्यादा है, माइनस 3.40 ई है प्लस, ये एक्सपोनेंट नोटेशन में दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है जी डेट एंड टाइम डाटा टाइप्स। डेट और टाइम डाटा टाइप क्या करती है, डेट और टाइम टाइप की वैल्यू को स्टोर करती है। सबसे पहली डाटा टाइप है डेट एंड टाइम, फिर है स्मॉल डेट एंड टाइम, डेट है फिर खाली टाइम है, इस तरह में आगे उसकी रेंजेस दी गई हैं और उसकी टाइप दी गई है किस तरह स्टोर करेगा वो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बाइनरी डाटा टाइप है,
बाइनरी में मैक्सिमम लेंथ जो है 8000 बाइट तक हम स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी डाटा टाइप होती क्या है, आप किसी भी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं या किसी भी इमेज को स्टोर करना चाहते हैं, ये तो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम इस टाइप को स्टोर कर इस टाइप को लेते हैं, इस डाटा टाइप को हम कॉलम में रखते हैं ताकि हम उनको स्टोर कर सकें डेटाबेस के अंदर। नंबर एक है बाइनरी, नंबर है वार बाइनरी है, 8000 बाइट तक जो है वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ है बाइनरी डाटा टाइप, यानी कम ज़्यादा हो सकती है। वेरी वार बाइनरी मैक्स जो है ये मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है जी। इमेज क्या चीज़ है, मैक्सिमम लेंथ ये इमेज को स्टोर कर सकता है, यानी इसकी जो है लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो हम इसको इमेज को भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। वेरियस कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये हम जो पाबंदियाँ लगाते हैं डाटा को रिलायबल बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए, तो हम उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, कौन कौन से कॉन्स्टेंट जो हैं। अगर आपने जो ये कॉन्स्टेंट नहीं देखे, पिछली वीडियो आपको आप देख लें ताकि उसमें जो है डिटेल से कॉन्स्टेंट बताए गए हैं, उसमें आप समझ भी लेंगे। इसमें भी मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कॉन्स्टेंट्स आर द रूल्स इन्फोर्स ऑन द डाटा कॉलम ऑफ अ टेबल, जो किसी भी डाटा कॉलम के पर जो है इन्फोर्स करते हैं रूल्स, कोई भी इन्फोर्स करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टेबल के अंदर। दीज आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा, वो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं टाइप ऑफ डाटा को दैट कैन गो इन टू द टेबल, जो टेबल में जाते हैं। दिस इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा इन द डाटा बेस, और वो इंश्योर करते हैं ये एक्यूरेसी ऑफ एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा को इन डाटा बेस। क्यों करते हैं, डाटा टाइप बता देते हैं ताकि वो उसी टाइप का उसी कॉलम में डाटा स्टोर हो। कॉन्स्टेंट्स कुड बी आइदर ऑन कॉलम लेवल और टेबल लेवल, दोनों पे हो सकते हैं, कॉलम पे भी हो सकते हैं और टेबल पे लेवल पर भी हम कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं। द कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट आर अप्लाई ओनली वन कॉलम टू वन कॉलम, यानी एक ही कॉलम पर जो होगा वह एक ही रूल अप्लाई होगा, अगले कॉलम पर अलग से रूल अप्लाई होगा। वेयर एज द टेबल लेवल कॉन्स्टेंट आर अप्लाई टू द होल टेबल, जो टेबल लेवल पे होगा वो क्या होगा, पूरे टेबल पे अप्लाई होगा। कॉलम लेवल क्या होगा, कॉन्स्टेंट जो होगा वो कॉलम पे ही अप्लाई होगा। सबसे पहला जो है हमारे पास नॉट नल कॉन्स्टेंट है, इसकी डिटेल देखते हैं। दिस कॉन्स्टेंट टेल्स दैट वी कैन नॉट स्टोर अ नल वैल्यू इन अ कॉलम, यानी खाली वैल्यू जो है वो हम एंटर नहीं कर सकते किसी भी कॉलम में, नल वैल्यू जो है एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद है यूनिक, दिस कॉन्स्टेंट व्हेन स्पेसिफाइड विद अ कॉलम टेल दैट ऑल द वैल्यू इन द कॉलम मस्ट बी यूनिक, दैट इज द वैल्यू इन अ रो ऑफ कॉलम मस्ट नॉट बी रिपीटेड, यानी किसी भी रो में अगर ये यूनिक फील्ड पर लगा दिया जाए तो ये वैल्यू क्या करेगा, यूनिक जो है उसमें उस कॉलम में हम इंटर कर सकेंगे, अदरवाइज रिपीटेड वैल्यू को वो नहीं लेगा। प्राइमरी की क्या होती है, ए प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, एक फील्ड होती है जिसे प्राइमरी की कहते हैं। एंड दिस कॉन्स्टेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फील्ड इन अ टेबल एज ए प्राइमरी की, और ये प्राइमरी की के तौर पर उसी फील्ड को जाहिर करती है। फॉरेन की क्या होती है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अनदर टेबल, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फील्ड एज ए फॉरेन की, यानी एक जो टेबल में, इसको डिटेल से मैंने बताया पिछली वीडियो में भी, अब भी बता रहा हूँ कि फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल में अगर वो प्राइमरी की के तौर पर यूज हो रही है तो दूसरे टेबल में असर उसी फील्ड को यूज करेंगे तो वो एज ए फॉरेन की के तौर पर यूज हो रही होगी। चेक क्या करता है, दिस कॉन्स्टेंट हेल्प टू वैलिडेट द वैल्यू ऑफ ए कॉलम मीट द पार्टिकुलर कंडीशन, इसमें हम कंडीशन को ही बता देते हैं, अगर वो वैल्यू मीट करती है उस कंडीशन से तो वो क्या करेगा, ले लेगा, यानी कॉलम में एंटर हो जाएगी, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। इट हेल्प टू इंश्योर दैट द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कॉलम मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन, ये चेक जो इंश्योर करता है कि हमारे पास जो कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक वैल्यू एंटर हुई है कॉलम में कि नहीं। डिफॉल्ट जो है, दिस कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द कॉलम व्हेन नो वैल्यू इट इज स्पेसिफाइड बाय द यूजर, जब कोई वैल्यू जो है कॉलम में नहीं एंटर करता यूजर तो वो डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है उसे, कोई भी हम डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो उसके लिए डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट जो है हम लगा सकते हैं। ये था हमारे पास कॉन्स्टेंट्स।
डेटा टाइप हमने सीखी। डेयर व्यूवर्स, आप इसको देखें और इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।